कृष्णा आप सभी का स्वागत है इस साल की आखिरी क्लास चेन्नई की। तो आप सब लोग अच्छी बात है, नए साल की शुरुआत आप इस क्लास के बाद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास के बाद कुछ आपको हेल्प मिलेगी एक नए साल की शुरुआत करने में। एक बार क्या हुआ, एक ऐसे आचार्य प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सारी माताएं थी, जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी माताएं हैं, कुछ प्रभुजी थे अभी पढ़ रहे, उससे पहले कुछ बहुत कम प्रभुजी थे। तो सारी माताएं थे, उनके बस एक प्रभु जी आए हुए थे। तो जब प्रवचन कर रहे थे उन्होंने बहुत पूछा कि खाली मतलब सारी माताएं आप कैसे आ गए। उन्होंने बोला कि मेरे जो वाइफ है उसने भेजा मेरे को जबरदस्ती कि जब तक वहां पे आप लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तब तक आपको सामू खाना नहीं मिलेगा। तो हम आशा करते हैं यहाँ पे जो प्रभु जी बैठे हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका खुद का इंटरेस्ट है इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक जवान पुरुष और एक बुड्ढे आदमी जो थे वो जंगल में जा रहे थे। जंगल में जा रहे थे तो सामने से एक चीता आ गया। अब चीते ने कहा बुड्ढे जो आदमी थे मैं आपको खाऊंगा। तो जो बुड्ढे आदमी थे उन्होंने कहा कि जो मेरा जो ब्लड है, जो मेरा खून है वो क्या है ठंडा हो गया है, लेकिन मेरे साथ जो जवान पुरुष है उसका क्या है अभी गर्म खून है। तो आप मुझे ना खा के उसको खाओ तो अच्छा है, वो टेस्ट आएगा कुछ। तो जो टाइगर था उसने कहा कि नहीं, आज मेरा क्या है ठंडे खून पीने का मन है। तो उन्होंने इसको खा लिया। तो कहने का क्या मतलब है कि जो टाइम है, जो समय है, ये बहुत ही क्या है आश्चर्यजनक चीज है। ये किसी का क्या है वेट नहीं करती और किसी के बीच भेदभाव नहीं करती। जब जिसका समय आएगा तो वो समय ये नहीं सोचेगा कि आदमी बुड्ढा है या जवान है, आदमी है या पुरुष है, या भारतीय है या नॉन भारतीय, अमेरिकन है, ह्यूमन है या पशु है, या फिर हिंदू है या मुस्लिम है, पारसी, जैन, बौद्ध, या फिर किसका कौन रूलिंग कर रहा है, नरेंद्र मोदी है या कोई ब्रिटिश एम्पायर है। तो कोई भी रूल कर रहा है, कोई भी कंट्रोलर है। तो जो टाइम है इतना वंडरफुल चीज है तो वो क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आप हमें भक्ते हैं, भक्त है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर, जिसका समय आएगा उसको जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो इस जो समय है इसका हमें क्या करना है, बहुत ही सदुपयोग करना है। क्योंकि एक क्योंकि चार चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो एक बार निकल जाए तो फिर से वापस नहीं आती। पहली चीज कौन सी है, बचपन। जो हमने भोजन किया है वो खाने के बाद फिर से वापस आएगा नहीं आएगा, और जो मुंह से निकले वो वर्ड वो वापस नहीं आएंगे, और कोई आपको अवसर मिल जाए कुछ काम करने का वो अवसर आपने गवा दिया तो क्या दोबारा नहीं आएगा। और चौथी चीज क्या है, समय। एक बार जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। चार चीजें कौन कौन सी थी, पहला फूड जो हमने खाया उसका तो वापस नहीं आ सकते, उसको वो डाइजेस्ट हो जाएगा, चप जाएगा, अंदर चला जाएगा। और दूसरी वर्ड्स, अगर आपने जो शब्द बोल दिए एक बार, मुंह से गलत वर्ड बोले तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। आप चाहो नहीं मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, तो वापस लेने से ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो एक बार आपने जो बोल दिया तो सामने वाले को हर्ट किया या आपने अच्छे वर्ड बोले तो उसको खुशी हुई तो उसको वापस ले सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, अवसर मिला है किसी कार्य को करने का, एक बार आपने उसको गवा दिया तो क्या वो फिर से वापस नहीं आ रहे। हो सकता है आपका कल एग्जाम, आपको आज पढ़ना चाहिए था लेकिन आप नहीं पढ़े, आपके पास ये अवसर था कि कल के एग्जाम में क्वालिफाई कर दूं तो मुझे अच्छी जॉब मिल सकती, लेकिन आपके पास अवसर था क्वालिफाई एग्जाम करने का, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए था, आपको पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की, तो फिर क्या करना, आपने उस अवसर को गवा दिया और फिर से अवसर नहीं आ पाएगा। ऐसे ही जो टाइम है, जो समय है, जो एक बार चला जाता है फिर से वापस नहीं आता। हमारी लाइफ में होता है जो कल का जो दिन था वो वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। अभी जो एक घंटे पहले का जो समय था वो वापस आएगा, नहीं आएगा। जस्ट अभी जो पास किया मैंने, जो मैंने वर्ड बोला, एक सेकंड पहले जो काम हुआ, फिर से वो समय वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं समय का बहुत सदुपयोग करना है। अगर हम मान रहे हैं कि हमारी जो पूरी आयु है, मान लो जो सबकी एवरेज आयु 60 वर्ष, उसको हम एक साल में कितने महीने होते हैं, बारह सबको बताइए।
तो एक साल में 12 महीने है तो 60 साल कितने महीने हो गए? 720। तो जो लाइफ है, जो जीवन है, मान लो एक जार के समान है। इस जार के अंदर क्या है? आपकी उम्र है, बोले 720, इसमें क्या है? मंथ पड़े हुए। लेकिन अभी क्या हुआ, इस साल में क्या निकाल दिया? इसमें से 12 मंथ निकाल दिए। अब कितने बचे हमारे पास? 708। तो 708 हमारे मंथ इसमें बचे। तो जो चला गया तो वो चला गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमारे पास क्या बचा है? 708 मंथ बचे। किसके पास? जिसने भी जन्म लिया है। हमारे पास तो और भी कम समय है। तो 12 महीने हमने इस साल में गवा दिए। कौन से महीने? वो कभी वापस नहीं आएंगे। आएंगे वापस? नहीं आएंगे। अब क्या हमारे पास जो बाकी का समय बचा है, कुछ महीने हमारे इस जार में बचे। तो अब हमारी लाइफ किस पर डिपेंड करती है? कि जो इस जार में हमारा समय बचा है, हम उसको कैसे यूज करते हैं। अगर हम चाहें तो हमारे पास इतना समय बचा है, उसको मिसयूज भी कर सकते हैं, और चाहें तो उसी चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम जो समय है उसको यूटिलाइज करेंगे तो क्या है, वो हमें समय का अच्छा अवसर प्रदान करेगा। अगर हम टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज वेल करेंगे तो टाइम जो हमें हमारे हमें वेल ट्रीट करेगा, अच्छी तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है? कुछ समय है, तो हमें उसको क्या अच्छी चीजों में लगाना है। यूसेन बोल्ट एक व्यक्ति है जो जिन्होंने 3 ओलंपिक के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीते। इसे नाम सुना आपका? यूसेन बोल्ट। तो उन्होंने 3 ओलंपिक्स के अंदर कितने मेडल जीते? 8 मेडल जीते। हमारे इंडिया में कोई 1 गोल्ड मेडल जीता तो उसका इतना अल्लाह मिला था। तो उन्होंने कितने? 8 गोल्ड मेडल जीते। आपको पता है इन गोल्ड मेडल की इनकम कितनी हुई? तो 8 गोल्ड मेडल जीते, उनकी नेट इनकम थी इसमें 60 मिलियन डॉलर, यानी 4 अरब 19 करोड़ रुपए उन्होंने इस ओलंपिक से गेन किए। अब जान के हैरानी होगी कि जो वो रनर थे, दौड़ लगा दौड़ते थे, तो इन 8 गोल्ड मेडल लेने के लिए उन्होंने ट्रैक पे कितने समय तक दौड़े, पता है आपको? कितने समय दौड़े होंगे ओलंपिक के अंदर? सेकंड्स में। खाली लेस देन 2 मिनट्स, खाली 2 मिनट से कम वो पूरे ओलंपिक में खाली ट्रैक के ऊपर दौड़े थे, जिससे क्या मिला उनको? 16 मिलियन डॉलर्स। कितने मिनट? खाली 2 मिनट से भी कम। लेकिन इस 2 मिनट को वैल्यूएबल बनाने के लिए जो 2 मिनट उन्होंने जो बेस्ट परफॉर्मेंस दी, इसके पीछे उनका खाली 2 मिनट थे नहीं, क्या था इसके पीछे? उनके बहुत हार्ड वर्किंग 20 साल थे। तो 20 साल से उन्होंने कड़ी मेहनत की, कड़ी तपस्या की, रोज प्रैक्टिस करते थे। इसकी वजह से क्या है, जो उतना समय उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से क्या है, 2 मिनट उसके बहुत वैल्यूएबल बने, जो उनको आज इस पद पर पहुंचाने के लिए शामिल हुए, कारण बने उसका। तो हम भी अगर चाहें तो इन्हीं चीजों को क्या है, वेस्ट कर सकते हैं टाइम को, और यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं नई साल मनाने के लिए कहा जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाता है, कोई पब्स में जाते हैं, कोई बार्स में जाता है, कोई होटल्स में जाते हैं, तो क्या हम टाइम वेस्ट करते हैं। और वहां पे उनके नए साल की शुरुआत कैसे होती है? एक हाथ में सिगरेट होती है, एक हाथ में कुछ बियर बोतल होती है, पीने होते हैं, और जो सुबह अगले दिन की शुरुआत होती है तो उन्हें पता ही नहीं होता अगले दिन कब आए, वो होश में ही नहीं होते। तो जिस व्यक्ति की नए साल की शुरुआत ऐसे हो रही है, तो क्या आशा कर सकते हैं उससे आगे जाके, वो क्या करेगा? ऐसे करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो नए साल शुरुआत हो रही है, इसकी हमें शुरुआत कैसे करनी है? एक अच्छी पॉजिटिव चीजों से करनी है। जैसे हमारे प्रोग्राम में 6 से रात को 12 बजे तक, उसमें क्या होगा, भगवान का कीर्तन होगा, भगवान का कीर्तन में डांस करेंगे, लेक्चर्स होंगे, ड्रामा होंगे, क्विज होंगे। तो हम कीर्तन करते करते भगवान का नाम लेते लेते नई साल में एंटर करेंगे रात के 12 बजे के बाद। तो क्या है, वो जो एनर्जी है वो काम आएगी हमारे नए साल में एंटर करने में, और वो पूरे साल में इफेक्ट करेगी।
कुछ लोगों के मन में इच्छा रहती है, बताए नया साल आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के पास जाना चाहिए। तो बताएगा कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या सीक्रेट्स आने वाले हैं, मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होने वाला है, तो कुछ लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। तो हर कोई व्यक्ति जो है क्या है, अपना भविष्य जानना चाहता है कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, नया साल आ रहा है, मेरे लिए अच्छा है, पता नहीं कल खराब है। तो ऐसे एक बार व्यक्ति आया बिल्कुल पी के, तो उसको बिल्कुल होश ही नहीं था, आया मेरे पास, पूछता है पंडित जी आपको हाथ देखना आता है? मैंने हाँ आता है, दिखाओ। तो उसने हाथ दिखाया, मैंने देखा हाथ, तुमने क्या लिखा है? मैंने कहा आपको लेवर की बीमारी होने वाली है। कह रहे बिल्कुल बराबर, कह रहे डॉक्टर ने यही बोला था। तो मैंने कहा कि एक्चुअली जिस हालत में आप शराब पी रहे हो उसे देखे कोई बता नहीं आपको बीमारी होने वाली, इस पर किसी ज्योतिष के हाथ देखने की जरूरत नहीं है। तो और ऐसे एक बार व्यक्ति आया, बहुत प्रॉब्लम में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी समस्याएं उसके जीवन में कि वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करना है, धन उसके पास है नहीं। तो ज्योतिष के पास जाता है, ज्योतिष के हाथ देखते हैं तो बोलते हैं कि आपके ऊपर क्या शनि की साढ़े साथी है। तो कहता किस पर कोई उपाय है? हाँ उपाय है। क्या उपाय है? कि 200 रुपए दो और मैं पूजा करूंगा और आपका उसका भविष्य सही हो जाएगा। तो बोलता मेरे पास 200 रुपए तो है नहीं, ठीक है 100 रुपए दे दो। 100 रुपए भी नहीं, ठीक है 50 दे दो। 50 भी नहीं, अच्छा ठीक है 10 रुपए दे दो। 10 भी नहीं, अच्छा ठीक है 1 रुपया बस लास्ट 1 रुपया दे दो, मैं आपकी पूजा करूंगा। कह रहे 1 रुपया भी नहीं, कह रहे तू जा फिर तेरा शनि साढ़े साथ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कुछ तो क्या है कि ज्योतिष के पास जाते हैं, सबको अपना जो भविष्य सुनना अच्छा लगता है। तो आप कैसे लोग जानना चाहते हैं आपका भविष्य क्या है? कौन कौन जानना चाहता है? जो नहीं जाना, जो जानना चाहते हैं सब लोग हाथ नीचे रखेंगे। सब लोग जानना चाहते हैं, एक को छोड़ के। तो सबकी इच्छा होती है। तो आज हम आपको आपका भविष्य बताएंगे, आपका भविष्य क्या है। आप में से कौन लोग जानना चाहते हैं कि आप कब तक जिएंगे? बस दो लोग, बाकी नहीं जानते। समय आएगा तो मैं आप ही चलेगा। लेकिन आप जानना कितने लोग चाहते हैं कि कितने वर्ष तक जीना, मेरा जीवन कितनी, एज कितनी है? सब लोग जानना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है ये तो इंटरेस्टिंग चीज है, रुचिकर चीज है, सबको अच्छा लगता है, अगर भले ही कोई गलत चीज ना बताए सिखा के। तो आज हमको क्या करेंगे, ज्योतिष के बारे में बताएंगे। तो एक हमारे बारे में एक रियलिटी है, रियलिटी क्या है कि जिसने जन्म लिया है उसकी क्या है, मृत्यु निश्चित है कि नहीं? किसने जन्म लिया है? सबने लिया। और मृत्यु किसकी निश्चित है? सबकी निश्चित है। तो हमारे कोई कंट्रोल है अपने जन्म पे कि हम किस कब जन्म लेंगे, किस फैमिली में जन्म लेंगे, कैसे हमारी बॉडी होगी, हम अच्छे घर में जन्म लेंगे या गरीब घर में जन्म लेंगे, अमेरिका में जन्म लेंगे, भारत में जन्म लेंगे, किसी का कोई कंट्रोल है इस चीज के ऊपर? है किसी का? नहीं है। और डेथ के ऊपर? नहीं है। तो जो हमारा जीवन है इन्हीं दो के बीच में, दो अल्फाबेट, कौन कौन से? बी और डी। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। तो हमारे जीवन किसके बीच में? एक बर्थ और डेथ के बीच। और बी और सी, बी और डी के बीच में क्या आता है? सी। तो बी और डी के बीच में एक ऐसी चीज है जो हमें बता सकती है जिसको हम लाइफ को कैसे जीना है। तो वो चीज से हम क्या कर सकते हैं, लाइफ को जी सकते हैं, क्योंकि ना बर्थ पे कंट्रोल है ना डेथ पे। हमारा किसके ऊपर कंट्रोल है? जो उसके बीच में जीवन है उस पर हमारा कंट्रोल है। दैट इज वर्ड सी। सी फॉर कॉन्शियसनेस। सी फॉर कॉन्शियसनेस। सी फॉर बहुत सारे वर्ड है बट मैं जो समझ जाता वो सी फॉर सी फॉर चॉइस। Choose what we choose, that makes difference. ये फर्क पैदा करेगा हमारे जीवन में।
कि मैं मेरी चॉइसेस क्या है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमेशा लाइफ के पास हमेशा ऑप्शन देते, आपको दो ऑप्शन देते देते नहीं देते। अगर आपके हाथ में कोई सिगरेट लगी है तो आपका दो ऑप्शन है कि एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है क्या, आपका दो ऑप्शन है। तो हमेशा हर लाइफ के हर मोड़ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं। आप हमेशा क्या है चूज कर सकते हो, क्या मेरे जीवन में अच्छा है और क्या मेरे जीवन में बुरा है। क्योंकि जो जीवन है, जीवन इज लाइक अ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, लेकिन किसके लिए खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के, हम किसके लिए खेल रहे हैं, वो तो इंडिया खेल रहा है, हम भी सीरियस खेल रहे हैं। एक एंटिटी है, एक जीव ऐसा है जिसके अगेंस्ट हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वो कौन है, वो है हमारा मन, है ना, जिसके अगेंस्ट क्या है हम मैच खेल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक चीज है क्रिकेट मैच में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है जो जीवन का लक्ष्य है उसको करने से। तो मैच में क्या होता है, मैच में क्या होता है, आपके पास बैट होता है। अगर आपके पास बैट है तो आप क्या कर सकते हो, बॉलर जो बॉल फेंकेगा उससे आप उसको छक्के में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपके पास बैट है तो। लेकिन जो किसको किसको एक्सपीरियंस है, जो मन है हमारा, जो बॉलर है, वो क्या बहुत खतरनाक बॉलिंग करता है, सबको एक्सपीरियंस है, जब बहुत ही स्लो बॉल डालता है, छक्का मार देता है, कैसे बॉलिंग करता है, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करता है। कैसे खतरनाक बॉलिंग का क्या मतलब है, कि मन जो हमारा बहुत परेशान करता है, जैसे हम सुबह उठना चाहते हैं, सब लोग उठना चाहते हैं सुबह, तो कितने लोग उठ पाते हैं, तो जब हम उठते हैं तो क्या मन हमारा कहता है सो जा, एक्सरसाइज करने मत जाओ। और ऐसे ही किस किस का मन, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे पढ़ाई का मन डिस्टर्ब करता है, जो बच्चे उन्हें करते हैं, बाकी तो पढ़ने होते नहीं, सब पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि हम जो हमारे स्टडी में हम खाली वही पढ़ते हैं, हम जो कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो पढ़ना ही है वो, तो किस किस का मन उसमें हमें डिस्टर्ब करता है, कि मन पढ़ सबका करता है नहीं करता। एक बार एक फादर थे, तो अपने बेटे को कहते हैं कि देख उसको, लूसी को देख, वो क्या फर्स्ट टाइम इतना पढ़ती है, देख उसे, तू क्या फेल हो गया, तो कह उसे देख देख के तो फेल हो गया। तो क्यों क्यों फेल हो गया, क्योंकि जो माइंड है हमारा, मन है, वो हमें इस जो जीवन का जो खेल है उसको जीतना नहीं चाहता। मन चाहता है कि हम जो जीवन का जो खेल है उसको क्या करें, हम हार जाएं। जैसे हम सब लोग जल्दी जगना चाहते हैं कितने पार्टनर अलग बात है, तो आप में से कितने लोग अलार्म लगाते हैं उसमें, सब लोग अलार्म लगाते हैं, लेकिन एक बार अलार्म सेट करने के बाद वो एक अलार्म है, वो हमारे पर डिपेंड करता है बजे ना बजे, है ना, ये हमारे पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही जब पहली बार अलार्म की आवाज आती है, ट्रिंग आवाज करता है, तो माइंड क्या करता है, बहुत फास्ट बॉल करता है, एक बॉल फेंकता है आपके ऊपर। अगर आप बोर्ड हो जाओगे कब, जब आप पहली बार स्नूज दबाओगे, स्नूज सब समझते हैं, उसमें स्नूज का ऑप्शन होता है, 5 मिनट आप फिर से बोलेगा, तो अगर आपने पहली बार स्नूज दबाया, इसका मतलब क्या है, आप आउट हो गए, यू आर आउट। इफ यू स्नूज यू आर आउट, आउट कैसे हो गए, क्योंकि जब आपने स्नूज दबाया तो क्या हुआ, कि आपने अपने आप डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि जो मैंने रात को जो चीज सोची थी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, उपयोगी नहीं है, मेरे लिए उपयोगी क्या है, जो मेरा मन कह रहा है, ये मेरे लिए उपयोगी है। और इस तरह से हमारे दिन की क्या होती है, शुरुआत होती है, कैसे, अपने मन को एक मौका देते। तो सोचो सुबह की शुरुआत कैसे हो रही है,
एक बॉलर के द्वारा क्लीन बोल्ड आउट हो गए तो क्या आप उम्मीद रखते हो कि हम मैच जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, कोई सूरत ही नहीं कि आप मैच जीत पाओ। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि अगर 5 मिनट लेट हो गए तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, क्या आसमान रहेगा? 5 मिनट का स्नूज लगा दे तो क्या होगा, कोई बड़ी बात है? क्या फर्क पड़ता है 5 मिनट लेट उठ गए? ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार स्नूज दबाया तो क्या हुआ उससे कि आपके जो एटीट्यूड है वो क्या है, तो उसी के हिसाब से कार्य करेगा, क्योंकि आपने एक बार मन को मौका दे दिया अपने अंदर हावी होने का। अब वो क्या है, शुरुआत आपके ऐसे ही मन को मौका देंगे तो क्या होगा, ये जो शुरुआत है आपके जो पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसमें क्या ये रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि आपका, क्योंकि अगर पहले सोचो अगर पहला बल्लेबाज क्रीज पर आया है और पहली बोल में आउट हो जाता है तो उस टीम के जीतने के चांसेस कम होंगे ज्यादा होंगे? कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम शुरुआत में जब दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम पहली जो दिन की बिल्कुल पहली मॉर्निंग के जो पहले जो सेकंड्स हैं उसी में क्या मन को अपने हावी होने दे रहे हैं, तो जो दिन की जो दिनचर्या है उसमें जो हमारा जो काम करने की क्षमता है जो कार्यशीलता है उसमें क्या होगा, कुछ कमी आएगी, कुछ रुकावट आएगी, उसमें हम जो जिस एफिशिएंसी से हम पहले कार्य कर सकते थे उसमें क्या कमी आएगी, हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से जो स्नूज है उसको क्या है अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना। जो पहला मौका है आपको क्या है, मन को काबू में करना। भले ही ठीक है आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप 5-10 मिनट 4-10 का अलार्म लगाओ लेकिन उठो उस टाइम, 4-20 का लगाओ लेकिन क्या करना है, उठना है उस टाइम। मन को क्या करना है, हमको कोई भी क्या अपॉर्चुनिटी कोई भी अवसर नहीं प्रदान करना, क्योंकि अगर मन को अवसर प्रदान कर दिया तो क्या है आप डिसाइड नहीं कर पाओगे सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि मन जो हमेशा क्या करेगा तो आपको गलत डायरेक्शन में ही ले जाएगा। तो हमारे पास क्या सी ऑप्शन है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम चूज कर सकते हैं अच्छा या बुरा है। सिचुएशंस क्या है हमारे पास हमेशा क्या है, उनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जो सिचुएशन आ रही है वो आएगी, हम चेंज कर सकते हैं उसको, नहीं चेंज कर सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं कि कैसे मैं उसको रेस्पॉन्ड करता हूं। जैसे मान लो कुछ सिचुएशंस ऐसे आ रहे हैं बहुत खतरनाक, आप क्या बहुत एग्रेसिव होते जा रहे हैं, तो एक रेस्पॉन्स आपका क्या होगा, सामने से कोई वार कर रहा है आपके पास तो आपने फ्रंट वार कर दिया उसको, तो ये क्या हो गया रिएक्ट कर दिया। और दूसरा क्या हो सकता है, आप उसको क्या अच्छी तरह से रेस्पॉन्स कर सकते हो कि ये भी हुआ है, भगवान का एक अवसर है, भगवान के पास है, भगवान का अरेंजमेंट है, ये तो खाली माध्यम है, ये तो मेरे कर्मों के हिसाब से कर्मों के हिसाब से जो कुछ मिला है, तो एक ये रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये क्या है हम चूज करेंगे, इससे क्या हम लाइफ क्या पीसफुल बना सकते। तो कैसे हम इस रेस्पॉन्ड को चेंज करें और किस तरह अपनी लाइफ में इस नई साल को मना सकते हैं, तो हम कुछ 5 सीक्रेट्स जो 5 एक नई चीजें हम डिस्कस करेंगे जिससे हम नई साल में शुरुआत कर सकते हैं, जिनमें से पहली है लिविंग। लिविंग मतलब हमें त्यागना है, छोड़ना है। क्या छोड़ना है कि जो पुराने साल में जो फ्रस्ट्रेशन है हमारे, जो गिले सिकवे हैं, जो दूसरों से नाराज किए हैं, उनको क्या करना है हमें छोड़ना है, उनको लेके कैरी नहीं करना, क्या करना है उनको छोड़ देना है। जिसके से भी दुश्मनी थी, कोई हमसे रूठ गया था तो क्या सब भूल जाना, उन सारे चीजों को छोड़ना है। और क्या करना है, एक नई स्टार्ट करनी। नई स्टार्ट जैसे करते ना, जैसे हम रिफ्रेश बटन दबाते हैं, तो रिफ्रेश से क्या होता है जितना भी पुराना था पूरा रिफ्रेश हो गया, अभी क्या नई शुरुआत हो रही है। और इस रिफ्रेश बटन को दबा के क्या करना है हमें अच्छी तरह से जीना है। तो पहली चीज क्या हमको क्या करना है, छोड़ना है, लिविंग, कि जो कुछ भी हमारे अंदर गलत विचार है, गलत धारणा है दूसरों के बारे में, अपने बारे में, वो सब क्या हमको इस साल के इस साल में छोड़ देना है, अगले साल में कैरी नहीं करनी। जो अच्छी चीजें हैं उनको क्या कैरी करना है, लेकिन जो गलत चीजें हैं गलत आदत है उनको क्या हमको यही छोड़ के जाना है और इस तरह जीवन गुजारना है। और दूसरी चीज क्या है, लर्न, कि हमें सीखना है। किससे सीखना है कि जो गलतियां मैंने इस साल में की थी उनसे क्या है कि वो गलतियां मैं दोबारा नहीं करनी। जिन चीजों में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था
तो उस सिवन साहब ने कुछ सीखा कि नहीं इस काम को मैं इस तरह करूंगा तो क्या अच्छी तरह कर पाऊंगा। तो हमें जो लास्ट में जो ये साल जा रहा है पुराना साल, इस समय क्या करना है, जो कुछ कमियां रह गई थी उसको क्या हमें इंप्रूव करना है। जैसे क्रिकेट में क्या होता है स्नैचिंग बोलते हैं कि एक दूसरे को हम जो क्रिकेटर्स हैं एक दूसरे को क्या गाली देते हैं, उनके प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं, इसलिए कि उनका माइंड डाइवर्ट कर सके। देखा है आपने, तो आपस में भिड़ जाएंगे, उसके सामने बैट लगा देंगे, कुछ भी करेंगे, क्यों और वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो ऐसा हम देखते हैं क्रिकेट में कि बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं कि एक बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऐसे कुछ गाली गलौज से कुछ ऐसी चीज हुई और उसके बाद क्या हुआ, वो कुछ ही देर बाद क्या आउट हो गया। तो एक तो ऐसा बैट्समैन है और एक ऐसा भी बैट्समैन है लाइक सचिन तेंदुलकर, तो ही इज अ फेमस फॉर हिज बोलिंग बिहेवियर, कि वो अपने शांत व्यवहार के कारण फेमस है। उनके प्रति बहुत सारे स्नैचिंग होते हैं, बहुत सारे लोग तंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो बिना उसे अफेक्ट हुए क्या करते हैं, अपने जो रनिंग है उसको, जो बैटिंग है उसको जारी रखते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हमारे हाथ में भी वही चीज है, जो सिचुएशंस हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बाहर वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बाहर वाले क्या करेंगे, कोई गाली देगा, कोई कुछ करेगा, नहीं मंदिर क्यों जा रहे हो, कोई मंदिर जाने के मन है, मंदिर क्यों जाते हैं, तो 60-70 के बाद मंदिर जाना चाहिए जब पैर से चलाना जाए, तो दूसरों को सहारा जो दूसरे साथ लेना जाए, तो तब मंदिर जाने की मंदिर जाने की उम्र है। तो जो लोग क्या है, आप हमको क्या तंग करते रहेंगे, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। हम किसको चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ भी क्या है, ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो मैं अपना बिहेवियर जैसा जैसा उसने रेस्पॉन्ड किया मैं उसको रिएक्ट कर दूं, और एक दूसरा क्या है कि मैं कूल रहते हुए क्या करूं, जो मेरा कार्य है उसमें क्या अच्छा परफॉर्म करूं। अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा कि जो उसका रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। जैसे एक बैट्समैन है वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बॉलर है वो जो बॉल कर रहा है वो इनसीम बॉल डालेगा, लेकिन क्या हुआ, बॉलर ने क्या इनसीम बॉल डाली, इनसीम मतलब अंदर की तरफ बॉल डाली, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अंदर की तरफ बॉल आने वाली है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से हवा का थोड़ा झोंका आया और जो बॉल थी वो क्या इनसीम की आउट स्विंग हो गई, और उसने जैसे ही बैट से टच किया वो क्या हुआ पीछे कैच आउट हो गया। तो जो बाहर की परिस्थितियां हैं, हवा का चेंज होना या बाहर वालों को एनवायरमेंट चेंज होना, वो क्या है हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो चेंज होता ही रहेगा, लेकिन जो मेरी परफॉर्मेंस है मेरा क्या रिएक्शन रहता है। तो अगर जो बैट्समैन है उस पर नहीं मारता, उसको रोक देता तो कैच आउट नहीं होता, लेकिन उसने भी क्या हुआ जैसे ही बॉलर इसको रिएक्ट किया, एक्शन एक एग्रेशन है, गुस्से में उसको रिएक्ट किया तो क्या कैच आउट हो गया। और अगर वो कूल कूलिंग बिहेवियर रोक देता, उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो क्या होता वो आगे अपनी पारी खेलता और अच्छा परफॉर्म करता। तो ऐसे हमारे पास भी क्या है ऑप्शन है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअली आप अच्छे नहीं हो, अगर आपके स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, अगर आप कुछ आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, अगर आप कल्चरली कुछ एक्टिविटीज नहीं करते, तो क्या होगा कि रेस्पॉन्ड करने तो रिएक्ट करना क्या बहुत मुश्किल है। आप हमेशा क्या है गलत भाव से रिएक्ट करोगे। तो अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करना है जिसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्पिरिचुअली क्या हमें एनर्जाइज होना पड़ेगा, स्पिरिचुअली जो आध्यात्मिक कार्य है उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे कर जो आध्यात्मिक कार्य है भगवान के, अर्थात भगवान का ग्लोरीफिकेशन सुनना, भगवान की लेक्चर सुनना, भगवान का कीर्तन सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का हरि नाम जप करना, तो ये सब क्या है भगवान के आध्यात्मिक कार्य है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कैसे रेस्पॉन्ड करना है, कैसे भक्ति के कार्यों में लग के। जैसे जिराफ होता है तो जैसे उसके छोटा बच्चा होता है तो जिराफ जो माँ जिराफ होता है तो क्या करता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको एक जोर से लात मारती है, अभी पैदा हुआ है तो समझ नहीं पता क्या हुआ, उसे ये भी नहीं पता कि लात मारे किसी, पता पैदा हुआ उसको क्या पता। तो जैसे वो थोड़ा समझता है
तो फिर से उसकी माई को लात मारती है उसको, तो फिर मैं सोचता है कि नहीं कुछ हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो फिर क्या करता है, वो थोड़ा सा उठने का प्रयास करता है, तो जैसे ही थोड़ा सा उठने का प्रयास करता है तो उसकी मदर एक लात मारती है उसको, तो फिर क्या करता है बिल्कुल खड़ा हो जाता है, फिर उसकी मदर एक लात मारती है उसको, फिर क्या है वो दौड़ दौड़ने लगता है, तो जैसे ही वो दौड़ने लगता है तो उसकी माँ बहुत क्या होती है बहुत खुश होती है और उसको गले लगा लेते हैं, उसे किस करने लगती है। क्यों? कि जो जिराफ है, जिराफ का बच्चा, तो उसका जो मांस है जो बहुत ही कोमल है, बहुत ही स्वीट होता है, तो अगर कोई शेर या चीता उसको जो खाएगा तो बहुत बहुत अच्छा लगता है उसको खाने में, तो अगर जिराफ की माँ बाहर जाएगी तो उसकी टेक केयर कौन करेगा, तो इसी वजह से जैसे ही पैदा होता है उसको क्या सिखाते हैं कैसे भागना है सिचुएशन से। तो ऐसे ही हमारा जीवन है जिराफ के बच्चे की तरह, कैसे कि हम थोड़ा सा उठने का प्रयास करते हैं तो जो लाइफ है जो प्रकृति वो क्या हमारे एक लात मारती है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी देती है हमको, तो हमारे पास एक ऑप्शन है क्या है, हम बैठ जाए तो वहीं गिर जाए या तो फिर एक लात मारेगी तो हमारे पास फिर उठ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उठ जाते हैं कुछ लोग नहीं उठते, फिर गिर जाते हैं और धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं फिर उठते हैं। तो जो जीवन की जो लातें पड़ रही है हमको किसलिए पड़ रही है कि हम जीवन में उठना सीखे, तो अगर इससे उठेंगे तो हम क्या सीखेंगे कि कैसे इन सिचुएशन में हमको रेस्पॉन्स करना है, और जब हम सीख जाएंगे इन सब चीजों को तो देन वी स्टार्ट लिविंग, जीना सीखेंगे। तो पहला क्या चीज था, लिविंग छोड़ना है हमको, दूसरा क्या था, दूसरा लर्निंग सीखना है, पहला था लिविंग, दूसरा लर्निंग क्या क्या सीखना है हमको, और तीसरा लिविंग और हमें जीना है। तो हम अपना नया जीवन स्टार्ट करते हैं बाय चूजिंग प्रॉपर चीज़, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहता है, जैसे हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने जीवन में एक ऐसा रेजोल्यूशन ले सकते हैं, एक ऐसा कुछ प्रण ले सकते हैं, आपके जो पीछे जीवन में ना कर पा रहे हो खाली एक ऐसा रेजोल्यूशन ले जो आपकी लाइफ में क्या ला दे, रिवॉल्यूशन ला दे। खाली ज्यादा ज्यादा चीजें फोकस करने जरूरत नहीं है, मैं जितने माला करूंगा सब मनोग्रह छोड़ो सारी चीज, क्या एक ऐसी चीज लो जो आपके जीवन में रिवॉल्यूशन ला दे, आप एक चीज ऐसे भी लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करो उसका एक रिजोल्यूशन लोगे मैं अपने पूरे साल इस एक्टिविटीज को करूंगा, और उस पर क्या करना पूरा फोकस करना है, क्योंकि जो 95% जो लोग हैं जो नए साल में रिजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो 95% जो रिजोल्यूशन कब तक ब्रेक हो जाते हैं, 95% 15 जनवरी तक 95% लोग उसको ब्रेक कर देते हैं और 50% लोग उसको अगले दिन ही ब्रेक कर देते हैं। तो इसी वजह से हमको क्या करना है, उसको होल्ड करके रखना है, जो मैंने रिजोल्यूशन लिया है जो मैंने प्रतिज्ञा की है मैं कार्य करूंगा उसको क्या मुझे होल्ड पकड़ के रखना है, हैं? और उसको बार बार याद करना है कि मैंने ये प्रण लिया है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका एक पोस्टर बनाए अपने लैपटॉप पर लगा दें, किचन के अंदर लगा सकते हैं, मेन गेट पर लगा दें, गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा दें, उससे क्या होगा आपको वो बार बार याद आएगा कि मैंने ये प्रण लिया है और मुझे इसको फॉलो करना है, तो ऐसा मैं रिजोल्यूशन लेना, इस तरह अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है, जीना सीखना है। जब हम लाइफ जिएंगे इस तरह तो हम क्या करेंगे, दूसरों को स्टार्ट लविंग, दूसरों को प्यार करना सीखेंगे। तो चौथी चीज क्या है, लविंग, दूसरों को प्यार करना, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन हैं, इतने सारे लोग टेंशन में जी रहे हैं, इतने सारे लोग सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आपस के रिलेशंस में क्या है वो वातावरण नहीं है, वो प्यार की कमी है, इसी वजह से लोग क्या है इतने लोग डिप्रेशन के केस हैं, इतने लोग सुसाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्यार करना सीखना है, एक दूसरे को प्यार देना है। तो जो हमने रिजोल्यूशन लिया है तो ऐसा नहीं कि उसमें क्या होगा, उसमें कोई गलतियां भी होंगी, हो सकता है कभी हमसे कुछ देर के लिए रिजोल्यूशन तोड़ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टूट गया तो टूट गया, पूरी साल क्या करना है
हमको उसी में करना, बोले अब क्या। लेकिन जैसा कभी एकादशी में होता है, एकादशी कभी किसी ने ब्रेक किया, गलती से ब्रेक हो गई ना, तो क्या करते हैं आप फिर उसका, अब तो ब्रेक हो गए फिर तो कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि नहीं ठीक है गलती टूट गए, अभी क्या मुझे कंटिन्यू करना है और नेक्स्ट डे भी क्या करना है, जो आज नहीं रख पाया उसका अगले दिन भी रखना है, तो ऐसा करना है। तो ऐसे अगर जो हमने रिजोल्यूशन लिया था, जो प्रण प्रतिज्ञा की थी, अगर बाई चांस गलती से हम टूट गए, इसका मतलब ये नहीं आप हतोत्साहित हो जाओ उसको टूट गया। फिर से क्या करना है, उठना है, जैसे वो जनाब का बच्चा था, गिर रहा है फिर उठना है। तो ऐसे में बार बार क्या उठना है, अपनी गलतियों से सीखना है। क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन है, जिसने अपने जिंदगी में सक्सेसफुल गेन किया है, वो एक बार में कोई नहीं होता, ऐसा नहीं एक रात में, वो रात को सुबह बिल्कुल गरीब था, सुबह उठा के अमीर बन गया, ऐसा हुआ किसी के साथ, लॉटरी में कभी होता है बाय चांस, बट जनरली ऐसा नहीं होता। हर किसी को क्या करना पड़ता है, उसके लिए पेन लेना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसको फॉलो करने के लिए, तब जाके वो क्या है एक सक्सेसफुल पर्सन पड़ता है। नहीं तो क्या है, अगर नहीं बनेगा तो गिरते गिरते खत्म हो जाएगा, तो हमें पेन लेना पड़ेगा। तो कपिल देव का नाम सुना आपने, तो कपिल देव कहते थे कि 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे का मैदान में पहुंचने का समय है। तो ऐसे ही हमारे पास 4 बजे सोने का टाइम नहीं, 4 बजे किसके लिए, 4:30 बजे 4 बजे उठने का टाइम है, 4:30 बजे मंदिर आने का टाइम है। तो अगर हम ऐसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे इन चीजों को, रिजोल्यूशन लिया भक्ति के, कुछ पाठ करने का आपने कुछ प्रण लिया है तो उसका फॉलो करेंगे, तो क्या है अपने आप का जो बिहेवियर है खुद ही चेंज होगा। तो फिर क्या है, हम एक दूसरे से प्यार करना सीखेंगे। क्योंकि जो हमारे अंदर काम क्रोध मोह जो अनर्थ है, उनकी अनर्थ ज्योति कैसे होगी जब भक्ति के कार्य में लगेंगे, जैसे जैसे भक्ति कार्य में लगेंगे तो जो हमारे कलमस है अनर्थ हो क्या होंगे, धीरे धीरे दूर होंगे और हम एक दूसरे को लव करना स्टार्ट करेंगे। और जब हम जब एक दूसरे को प्यार करना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेगा, दूसरे को इंस्पायर करेगा, दूसरे को लिफ्ट करेगा, दूसरे को उसका जो कार्य है उसमें क्या हेल्प करेगा उसके कार्य में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो जगत है क्या है, एक आशावादी आशा का जगत है, हर कोई आशा के किरण में जी रहा है। अगर किसी को हम प्यार देंगे तो क्या है उसके हम हेल्प करेंगे उसको आगे बढ़ने। तो जो आपने रिजोल्यूशन लिया है उसमें क्या किससे हेल्प हम कर सकते हैं, दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। किससे हेल्प मिली हमको, कि जो हमने रिजोल्यूशन लिया है वो रिजोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, आपका सोशल हो सकता है, आपका कोई कार्य है आपको उसमें कर सकते हैं, कोई आपकी कमियां है उसको ले सकते हैं, भक्ति कोई अंग है उसको कर सकते हैं, कोई भी रिजोल्यूशन हो सकता है। तो जो व्यक्ति उस चीज को बहुत ही अच्छा कर पा रहा है, बहुत ही उस चीज को करने में माहिर है, तो उस चीज हमको उसका क्या करना है, संग करना है। उसका संग करेंगे हम तो क्या होगा, हमें पावर मिलेगी, वो हमें क्या करेगा लिफ्ट करेगा। हमें मंथरा और शकुनि ऐसे लोगों का संग नहीं करना, वो क्या करेंगे, वो हमें कहीं और ले जाएंगे, हमारे मार्ग से क्या है हमें हटाएंगे। और सबसे बड़ा मंत्रा शक्ति कौन है, हमारा मन। तो हमें अपने मन का संग तो कभी करना ही नहीं, हमें कैसे लोगों का संग करना है कि जो उन चीजों में क्या है बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत उन्नत है, उस फील्ड में क्या है, उस फील्ड के बिल्कुल सक्सेसफुल पर्सन है, तो उनका हमें क्या करना है, संग करना है। तो उनका संग करेंगे तो क्या होगा, वो जो क्वालिटीज है, जो वो एनर्जी उनके पास जो एनर्जी है वो हमारे अंदर भी एनर्जी आएगी, है ना। जैसे हम बचपन में थे तो बचपन में हमने कोचिंग ली थी, स्कूल में जाते थे, ट्यूशन लेते थे, तब क्या होते हम आगे बढ़ पाए, हमने किन लोगों का संग किया क्योंकि हमें पढ़ना है, तो जो ऑलरेडी उस फील्ड के जानकार है हमने पसंद किया। जैसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं, अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो किसका संग करेगा, जो क्रिकेट में क्या है जिसको क्रिकेट अच्छा आता है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का संग करेगा, जो लॉयर है वो लॉयर का संग करेगा। उससे क्या होगा कि उसकी जो क्वालिटीज है, जो उसकी एनर्जी है, उससे इंस्पायर होगा और उसमें अच्छा कर पाएगा। तो हमें भी ऐसे कुछ लोगों के क्या है नाम ढूंढने हैं,
अपने रिलेटिव्स के, जानकार है, भक्तों के, तो ऐसे लोगों का हमें संग करना है। वो क्या करेंगे, हमको लिफ्ट करेंगे। और लिफ्ट करने से क्या होगा, जो स्ट्रगल्स हम झेल रहे हैं रेजोल्यूशन को आप फॉलो करने में, उसमें क्या हमें हेल्प मिलेगी। और जब हम वो रेजोल्यूशन लेंगे तो अपनी लाइफ में क्या है, हम चीजों को चूज कर पाएंगे, है ना। बी और डी के बीच में क्या आता है, सी, जो हमारे हाथ में है, उसको क्या है, खाली चूज कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है कि हम अपने जो रेजोल्यूशन लिया है, जो प्रण प्रतिज्ञा की हमने, उसको क्या है सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो हमने पांच चीजें बताई, कौन कौन सी पांच चीजें, पहली क्या थी, लिविंग, हमें छोड़ना है, क्या छोड़ना है, अपने घर वालों को, किसको छोड़ना है, जो मिसगिविंग थी, जो मिसहैपनिंग थी इस साल की, पुराने साल की, उसको यही इसी साल में छोड़ देना है, 31 तारीख लास्ट डेट है जो हम छोड़ने की आखिर। और दूसरा क्या था, लर्निंग, क्या सीखना है हमें, कि जो गलतियां थी उन गलतियों से सीखना है कि वो गलतियां दोबारा ना हो। तीसरा क्या था, लिविंग, हमें जीवन अपना जीना है। जीवन जीने के लिए क्या है कि कुछ एक रेजोल्यूशन लेना है, कुछ नया अपने जीवन को उतारने का प्रयास करना है। और जब नया जीवन स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, चौथी चीज क्या होगी, हम दूसरों को लव, प्यार करना सीखेंगे। और प्यार करना सीखेंगे तो किससे हेल्प करेगा, दूसरों को भी क्या करेगा, लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। पहला क्या था, लिविंग, लर्निंग, लिविंग, लिफ्टिंग। इन पांच चीजों को हम फॉलो करेंगे तो क्या है कि हम जो नया साल आने वाला है उसको क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। जो भी हमने रेजोल्यूशन लिया है, जो कुछ प्रण लिया है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना है, ये पांच चीजों को आपको फॉलो करना है। और इसी से हम क्या है, अपने आने वाले साल, अपने आने वाले जितने भी साल है, सबको सुधार सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप सुनोगे, बहुत बहुत धन्यवाद।